बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिसने एक्टिंग से अपना करियर शुरू तो किया, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वो सभी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाए और बॉलीवुड में अपना करियर बनाना छोड़कर कुछ नए क्षेत्रों में अपना करियर बनाने का सोचा। अच्छी और जाने माने सितारे जो कुछ फिल्मों के बाद स्क्रीन पर कभी नजर नहीं आए, तो आखिर कहाँ खो गए ये जाने माने सितारे, आइए जानते हैं। 14 उदय चोपड़ा। मोहब्बतें, धूम और धूम 3 जैसी अच्छी फिल्मों को करने के बाद भी ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के ज्यादा टिक नहीं पाए। इसके बाद इन्होंने हॉलीवुड में भी 2 फिल्में की और उसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला। इस सब के बावजूद भी बॉलीवुड में बहुत अच्छा नाम नहीं बना पाए। बॉलीवुड के नामी यश चोपड़ा के बेटे और आदित्य चोपड़ा के भाई होने के बाद भी उन्हें इस हिसाब से उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई जैसे उनके पिता को मिली। बॉलीवुड में करियर बनाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए इन्होंने एक्टिंग को छोड़ अपना करियर किसी और फील्ड में बनाने का सोचा और अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया। इसके साथ ये यशराज फिल्म्स के CEO भी बन गए। इनकी अपनी कंपनी का नाम योमिक्स, जो यशराज फिल्म्स के अंडर आने वाली एक कॉमिक फिल्मों को प्रोड्यूस करने की कंपनी है। आजकल उदय चोपड़ा अपने एक्टिंग करियर को छोड़कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 13 अमृता राव। बॉलीवुड की एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस अमृता राव अपनी अच्छी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। अपने बॉलीवुड करियर में इन्होंने कई अच्छी फिल्में की जिसमें विवाह, मैं हूं ना जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके बाद इनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई और बॉलीवुड में इनको रिप्लेस करने के लिए कई एक्ट्रेसेस आ गई। अमृता राव ने बहुत लंबे समय तक बॉलीवुड में अपने पैर नहीं जमाए और अच्छी के साथ साथ कुछ फ्लॉप फिल्में भी की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड एक्टिंग करियर को छोड़कर शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने फिल्में नहीं की और आजकल वो कुछ कुछ टीवी शोज में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आती हैं। 12 ज़ायरा वसीम। ज़ायरा वसीम ने अपना करियर शुरू करते ही कुछ फिल्मों के बाद एक्टिंग का करियर छोड़ दिया। इन्होंने अपने जीवन में 3 फिल्में की जो कि दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार और द स्काई इज पिंक है, और इसके बाद ही अपने एक्टिंग करियर को छोड़ दिया। एक्टिंग करियर को छोड़ने के पीछे इन्होंने कुछ रिलीजियस रीजंस दिए और एक्टिंग करियर को छोड़ ऐसा फैसला इन्होंने क्यों लिया इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से इन्होंने धार्मिक रास्ते को अपनाया है। 11 ट्विंकल खन्ना। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने कई बेहतरीन फिल्में की हैं, लेकिन एक समय के बाद उनका बॉलीवुड में दबदबा थोड़ा कम हो गया। उनकी आखिरी फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा थी जो 2001 में आई थी। इसके बाद इन्होंने फिल्म करियर को छोड़ दिया और एक प्रोड्यूसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके प्रोडक्शन में फिल्म पैडमैन प्रोड्यूस हुई थी। 10 रजत बेदी। रजत बेदी ने कई अच्छी फिल्मों में नेगेटिव किरदार में नजर आए। उनकी अच्छी फिल्मों में कोई मिल गया और बॉर्डर जैसी कई फिल्में की हैं, लेकिन अपनी कोशिश के बाद भी वो बॉलीवुड में बहुत अधिक समय तक टिक नहीं पाए और बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला ले लिया। बॉलीवुड को छोड़ने के बाद ये कनाडा चले गए और वहाँ अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया। अब कनाडा में रहकर रजत बेदी अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। 9 मल्लिका शेरावत। अपने बोल्ड अंदाज से पूरे बॉलीवुड को बदलने का काम करने वाली मल्लिका शेरावत आजकल एक्ट्रेस से बिजनेस वुमन बन चुकी हैं। मर्डर जैसी फिल्मों में बोल्ड रोल करने वाली एक्ट्रेस आजकल लंदन में अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया है। लंदन में मल्लिका ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है और बॉलीवुड में एक्टिंग छोड़ अब वही अपना रेस्टोरेंट संभाल रही हैं। 8 उर्वशी रौतेला। हेट स्टोरी 4, सनम रे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपना करियर बनाने वाली उर्वशी रौतेला बॉलीवुड के अभिनय के क्षेत्र में बहुत अधिक टिक नहीं पाए। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ा है, लेकिन कैमरा और ग्लैमर के बीच तो आज भी रहती हैं। अपनी काबिलियत और सुंदरता से सबका मन मोहने के लिए आज भी काबिल है। उर्वशी आजकल एक्टिंग की दुनिया को छोड़ मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं और अपनी मेहनत से यहाँ भी काफी प्रचलित हो रहे हैं। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो उर्वशी को नहीं जानता होगा। 7 फरदीन खान। फरदीन खान की पहली फिल्म प्रेमगन के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, फिर अनफॉर्चुनेटली उनके बॉलीवुड करियर और जिंदगी की खुशी उनके इस इकलौते फिल्म तक सिमट कर रह गई। वैसे तो उन्होंने अपनी हिट फिल्म करने के बाद कई बड़े सितारों के साथ काम किया था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी खुद की हासिल की गई अचीवमेंट को क्रॉस नहीं कर पाए। अपने पिता फिरोज खान जो अपने टाइम के एक अच्छे एक्टर थे, फरदीन उनके बेटे होने के बावजूद एक बिलो एवरेज एक्टर बन के रह गए। यही कारण है कि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को छोड़कर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और उसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि 12 साल बाद उन्होंने वापसी करने का सोचा तो है, लेकिन ये बात अभी खबरों में ही है। 6 प्रीति जिंटा। वीर ज़ारा, कल हो ना हो, कोई मिल गया और ऐसी कई सुपरहिट फिल्मों को करने के बाद और अपनी बेहतरीन अभिनय के बाद भी आजकल बॉलीवुड की दुनिया से दूर हैं। उनकी लास्ट फिल्म भैया जी सुपरहिट पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद प्रीति को सिर्फ IPL मैच में देखा जाता है। प्रीति के बॉलीवुड करियर को छोड़ने की वजह ये रही है कि झूम बराबर झूम और जानेमन जैसी फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद प्रोड्यूसर का इन पर से भरोसा कम हो गया था। इसके साथ प्रीति की शादी भी हो गई थी, इसलिए उन्होंने बहुत अधिक कोशिश भी नहीं की। आजकल वो अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं और IPL मैचेस में अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं। 5 ग्रेसी सिंह। लगान, मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों से लोगों का दिल जीतने वाली ग्रेसी सिंह को भी फैंस काफी मिस करते हैं।
उनकी फिल्मों का सिलेक्शन जितना अच्छा था उतना ही अच्छी उनकी एक्टिंग भी थी। लेकिन बॉलीवुड में ग्लैमर और एक्सपोज की आंधी कुछ ऐसे आई जिसमें ग्रेसी का टैलेंट कहीं दबकर रह गया। इसी वजह से ग्रेसी सिंह जैसी कई और एक्ट्रेसेस का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कुछ स्मॉल बजट फिल्म को करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया और आजकल वो थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं। नंबर 4, गोविंदा। 90s का दशक एक ऐसा वक्त था जब सिल्वर स्क्रीन का सुपरस्टार गोविंदा ने बस एक साल के अंदर 70 फिल्मों में काम किया था। लेकिन आज उसी सुपरस्टार का नामोनिशान मिट गया है। गोविंदा ने इल्जाम फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी जो काफी हिट रही और जनता को अपना नया उभरता हुआ सितारा मिल गया था, क्योंकि गोविंदा ने बॉलीवुड के रोमांस ड्रामा के अलावा दर्शकों को कॉमेडी का टेस्ट दिया था। जहां उन्होंने हीरो नंबर 1 जैसी एक से एक ब्लॉकबस्टर हिट दिए, पर अचानक ही गोविंदा को हीरो नंबर 1 से नेता नंबर 1 बनने का शौक चढ़ गया, जिस शौक ने उनके पूरे करियर को ही बर्बाद कर दिया। 2004 में जनता ने गोविंदा को इलेक्शन तो जितवा दिया, लेकिन वो खुद के ही एजेंडा को हकीकत नहीं बना पाए। इसलिए 2008 में जब उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की, तब लोगों ने उनको कुछ खास पसंद नहीं किया और इस तरह उनके बॉलीवुड करियर का अंत होता दिखाई दिया। 3, अध्ययन सुमन। इन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में हाल ही तेलुगु फिल्म से 2008 में कदम रखा था, लेकिन लोग इन्हें 2009 के राज 2 फिल्म के बाद पहचानने लगे। बड़े बड़े सितारे और डायरेक्टर की फिल्म में होने के बाद भी इस बात ने अध्ययन के करियर को कुछ खास मदद नहीं की, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने कई फिल्में की और वो लगातार फ्लॉप होती गई। शेखर सुमन के बेटे होने के बाद भी इस बात का कोई भी फायदा अध्ययन को नहीं मिला। इन्होंने अपनी आखिरी फिल्म 2014 में हार्टलेस दी थी, जो फिल्म अपने 11 करोड़ के बजट के सामने कुछ 1.4 करोड़ ही कमा पाई। तब उन्हें ये समझ आ गया कि बॉलीवुड में उनका अच्छा करियर नहीं है, इसलिए आज के लिए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी कला का प्रदर्शन करने की ठानी है और आजकल उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। 2, जायद खान। वैसे तो जायद खान को सब मैं हूं ना फिल्म में शाहरुख के छोटे भाई लकी के तौर पर जानते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के मामले में जायद बिल्कुल भी लकी नहीं रहे। मैं हूं ना फिल्म की सक्सेस के बाद जायद खान को कई फिल्म ऑफर हुई। इन फिल्मों में जायद ने काम तो किया, लेकिन इन फिल्मों ने कुछ धमाल नहीं किया, जिसकी वजह से एक्टर जायद खान का बॉलीवुड में करियर खत्म होता नजर आया। इसके बाद एक्टिंग छोड़कर इन्होंने कुछ नया शुरू करने का सोचा और 2011 में बॉर्न फ्री एंटरटेनमेंट नाम से प्रोडक्शन हाउस शुरू कर प्रोडक्शन में अपना लक ट्राई किया, लेकिन यहाँ भी वो कुछ खास चल नहीं पाए। इसके साथ ही फिलहाल ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। 1, साहिल खान। साहिल खान की पहली फिल्म स्टाइल जो काफी अच्छी चली, इस फिल्म के बाद साहिल खान काफी पॉपुलर हुए थे और इन्हें स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज पर शाहरुख खान और सलमान खान के साथ फीचर किया गया था, लेकिन फिल्म न मिलने के कारण इन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली और अपना करियर यहाँ छोड़कर कुछ नया शुरू करने का सोचा। आजकल अपना बिजनेस शुरू कर लिया है और आजकल ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज भी लोग सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने फिल्म ना मिलने या किसी और फील्ड में ज्यादा अच्छा करने की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अपना कुछ नया बिजनेस या किसी नए क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया। कई बड़े और हसीन सितारे भी अपनी मजबूरी और फैमिली की वजह से बॉलीवुड को अलविदा बोल दिए हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ी है वो दोबारा स्क्रीन पर आए नहीं, कभी कभी वो टीवी शोज या किसी रियलिटी शोज में नजर आ जाते हैं। उन सब का बॉलीवुड छोड़ने का मकसद अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना ही रहा होगा। तभी अपने हिसाब से उनको जब लगा कि एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी।